तो दिवाली आ चुकी है और हमें बेकर तो हम दिवाली थोड़ी मनाएंगे, हम तो आप लोगों के लिए हैम्पर्स बनाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया हमारा डे वन ऑफ दिवाली का बहुत सारा काम, जिसमें हम बना रहे थे सेंटर फिल्ड चॉकलेट्स और हमने उसके बॉक्सेस कुछ बना के ऑलरेडी रेडी कर दिए, क्योंकि हम इन्हें सेल करते हैं जोमैटो पे भी। तो जब भी ऑर्डर आए तो हमारे पास एकदम रेडी हो सामान उठा के देने के लिए, उस हिसाब से हम तैयारी रखते हैं। तो अगर आप भी बेकर हैं जो दिवाली पे हैम्पर्स सेल करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कुछ सामान आपका हमेशा रेडी रहे और आप उसको जोमैटो एंड स्विगी पे भी ज़रूर डालें, ताकि आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकें। और भाई, जब काम बहुत ज़्यादा हो तो अकेले रह के तो बात नहीं बनती, तो पूरी टीम साथ में काम करती है, तभी काम जल्दी हो पाता है। तो यहाँ पे हमारे बॉक्सेस ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाले थे, इसके बाद हमें तैयार करना था एक दूसरा हैम्पर। ये थोड़े से मुश्किल होते हैं बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको बनाने में। तो हम लोग इस हैम्पर को रेडी करके ये डिस्कस कर रहे थे कि इसको पैक कैसे करना है कि डिलीवरी में कुछ भी ख़राब ना हो। सामान तो हम बढ़िया करके फिट कर देते हैं, लेकिन पैकिंग ऊपर से सुंदर भी दिखनी चाहिए और स्टोरी भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई स्कूटी पर ट्रैवल कर रहा है, कोई इसे बहुत दूर लेके जा रहा है। तो यही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। एंड फाइनली हमें ये नहीं पता था कि ये हैम्पर हमारा जोमैटो पर इस बार इतना जाने वाला है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये फिलहाल वैसे तो ऑफलाइन ऑर्डर था, और हैम्पर का फाइनल लुक कुछ ऐसा दिख रहा था। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने हैम्पर्स में भी इसी टाइप की पैकिंग करना। और यहाँ पे बन रहे हैं रागी चॉकलेट कपकेक्स, जो जा रहे थे किड्स के लिए, इसीलिए हमने इन्हें रागी से बनाया था और हम इनको बहुत ही क्यूट और अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे, ताकि बच्चों को पसंद आए। कैसे लगे आपको ये? लगे ना एकदम कलरफुल एंड वाइब्रेंट। तो हमारे यहाँ कपकेक्स रेडी हो चुके थे और अब मेरा टाइम था वॉक पे जाने का, क्योंकि मेरी आने वाली है शादी और मुझे होना है पतला। जब बाहर निकली तो इतनी दिवाली की लाइटिंग्स हो रही थी, इतना मज़ा आया मुझे देख के। और जब तक मैं किचन में वापस आई, मुझे पता चला कि हमारा अभी एक इंस्टेंट ऑर्डर आ गया है जो हमें 2 घंटे में देना है। उसके साथ साथ हमारा ये एक दूसरा केक था जो ऑलरेडी पहले से बुक था और जाना था, और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग के भी ऑर्डर्स आ गए थे। तो बेकिंग तो डाल चुके थे टीम, यहाँ पे हम केक रेडी कर रहे हैं जो अभी डिस्पैच होना है। और ये था 3 kgs में 2-tier केक ऑन अल्कोहल थीम। कैसा लग रहा है आपको देखने में, ज़रूर बताना। ये था हमारे केक का फाइनल लुक, और इसके साथ साथ अभी जो इंस्टेंट ऑर्डर आया था, जो 2 घंटे में टीम ने अंदर से बना के रेडी भी कर दिया था, बस उस पर डेकोरेशन बची थी, वो मैं अभी थोड़ी सी करने वाली हूँ, जिसपे हमने डाली है चॉकलेट सॉस और इसको स्प्रेड किया टू गिव दैट अमेजिंग ड्रिप्स। तो ये था हमारे केक का फाइनल लुक, और ये लिटरली हमने 2 घंटे में ऑर्डर लेके रेडी कर दिया था। एंड इसी के साथ हमारे केक जा रहे थे डिलीवरी के लिए, और हमारा आज का दिन हो चुका था कल ख़त्म, और हम मिलेंगे कल ऑन डे 2 ऑफ दिवाली मैडनेस। तो फाइनली यहाँ पे डे 2 शुरू हो चुका है, और हम सबसे पहले सुबह रेडी कर रहे थे हमारे ब्राउनी के हैम्पर्स, जो बेस्ट सेलर है और हमें पता होता है कि यार ये तो हमें पहले से बनाने हैं ही। और साथ साथ मेरी हेल्पर बना रही थी कुकीज़, जो हम कुकीज़ के हैम्पर भी इसके बाद रेडी करने वाले थे। तो भैया और मैंने मिलके सारे दिवाली के जो ब्राउनी के स्लैब्स थे उनको डेकोरेट किया। बहुत सारी चॉकलेट्स हम लोग इस पे लगाते हैं, साथ के साथ दिवाली का टॉपर भी लगाते हैं, जिससे ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो मैं ये अपनी क्लासेस में सिखाती हूँ, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, उसके लिए आप नीचे कॉमेंट छोड़ दें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ब्राउनी के हैम्पर्स भी रेडी हो चुके थे, एंड आप देख सकते हैं कितने प्रिटी लग रहे हैं, और प्रिटी ही नहीं, ये खाने में उससे भी कई ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, और ये कम्प्लीटली एगलेस होते हैं। तो जिसको ये दिवाली गिफ्ट में मिला भाई, उसका तो दिन ही बन जाना है। तो यहाँ पे दूसरी कुकीज़ बन रही हैं, जो कि हैं डार्क चॉकलेट कुकीज़, जो खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। इसके बाद मैंने शुरू किया डोनट्स बनाने का काम, क्योंकि हमने सोचा था कि दिवाली पे जो भी हमसे ऑर्डर प्लेस करेगा उसको हम गिफ्ट करेंगे डोनट एज अ दिवाली गिफ्ट फ्रॉम QCP टीम। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डोनट्स बना लिए थे, और ऐसे मैं इनको डेकोरेट कर रही थी। इसकी क्लास मैं बहुत जल्दी लेने वाली हूँ, अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लें। तो लग रहे हैं ना हमारे डोनट्स एकदम ड्रूल वर्दी, और ये दिवाली गिफ्ट सबको सरप्राइज कर देगा। तो यहाँ पे हमारे कुकीज़ के हैम्पर्स, लड्डू के हैम्पर्स एंड ब्राउनी के हैम्पर्स जो हमने रेडी किए थे, वो सब यहाँ पे डिस्पैच हो रहे हैं, और साथ के साथ ये फ्री डोनट्स भी।
जो सामान बन रहा था वो साथ के साथ जा रहा था, और यही हमें सबसे बढ़िया चीज़ लगती है कि साथ के साथ फ्रेश सामान बने और जाता रहे। तो यहाँ पे हम फिर से बना रहे थे हमारे ग्लूटेन फ्री लड्डूज, क्योंकि अब अगेन दूसरे ऑर्डर में वो जाने थे और हमारे पास जो स्टॉक था वो सब ख़त्म होता जा रहा था। तो यहाँ पे हमारा दिन का दूसरा ऑर्डर भैया रेडी करके डिस्पैच कर रहे थे। इसमें हमारे जा रही थी असॉर्टेड ब्राउनी बॉक्स, साथ में कुकीज़ के बॉक्सेस और लड्डू एंड चॉकलेट्स के बॉक्सेस। तो ये रेडी हो गए थे और साथ के साथ हमारी कुकीज़ भी बेक हो रही थी। और कहते हैं ना, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, तो देख सकते हो सब लगे हुए थे। और ये रहा हमारा ऑर्डर रेडी जो जा रहा था अब डिलीवरी के लिए। तो जो कुकीज़ बेक हुई थी अब बारी थी उनको भी पैक करने की। तो मैं अब बैठ गई बहुत सारे जार्स और ट्रेज लेके, और वन बाय वन मैंने सारे डिफरेंट टाइप्स की कुकीज़ को पैक किया। तब तक बाकी सब भी कुछ ना कुछ कर ही रहे थे पीछे से। आप देख सकते हो सब घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं और दीवाने हुए हैं काम में। सबके साथ काम करने का मज़ा यही है कि साथ साथ हंसी मजाक करते रहो, एंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए ताकि काम भी होता रहे और टाइम भी अच्छा कट जाता है। तो इसी के साथ काम करते करते हमें हो चुकी थी रात, और अब हम फिर से शुरू हो गए थे अपनी सेकंड शिफ्ट में। और आज बनने वाली थी फिर से बहुत सारी ब्राउनीज, टी केक्स और चॉकलेट्स। और यहाँ पे हर बंदा अपना अलग अलग काम ले चुका था, और मेरा काम था सबको इंस्ट्रक्शंस देना कि किसे क्या करना है, कितना क्या बनाना है, ताकि मैं ऑर्डर्स का रिकॉर्ड रख सकूँ और हमारे पास कुछ भी कम ना पड़े। तो यहाँ पे तीन अलग लोग तीन अलग रेसिपीज बना रहे थे। आप देख सकते हो कितनी स्पीड से काम चल रहा है। मैं आके सबको बीच बीच में बता रही हूँ, अब ये करो, अब ऐसे डालो, इतना करो। तो यही होता है मेरा काम किचन में। अब मैं इधर आ गई हूँ अपने हेल्पर को ये बताने कि कितनी चॉकलेट्स कैसे बनानी है ऑर्डर्स के लिए। तो मैंने इसको बताया, अब मैं फिर से चली गई उधर भाभी को ये बताने कि आपको किस में कितना क्या डालना है, क्योंकि अभी है सब लर्नर्स और सबसे ज़्यादा काम मुझे ही आता है यहाँ पे। तो सबको साथ साथ बताते रहना भी मेरा एक ड्यूटी होती है, और मेरा तो सारा टाइम उसी में ही निकल जाता है। और आप देख सकते हो क्योंकि रात का माहौल है तो पूरा परिवार किचन में मौजूद है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है, और बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। तो हम पूरी फैमिली मिलके काम करते हैं, और यहाँ पे हमारा सारा सामान रेडी हो चुका था बेकिंग में जाने के लिए, ब्राउनीज, टी केक, स्पॉन्ज, और हमारा दिन हो चुका था ख़त्म। अब हम मिलेंगे कल के नए ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। सी यू टुमारो गाइज, बाय।